हेलो एवरीवन, तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो होती है वो जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी अलग अलग डिग्रीज पे अलग अलग वैल्यूज को दिखाता है, ठीक। तो उसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बोलते हैं, ठीक। तो पहले हम क्या करेंगे, साइन की अलग अलग डिग्रीज पे वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बेसिस पे हम बाकी सबको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, और बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा, ठीक। सबसे पहले हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन के अलग अलग डिग्रीज पे सब जगह पे हम रूट रख लेंगे, ठीक है, और फिर इसके स्टार्टिंग वैल्यू 0 से स्टार्ट करके 4 तक इसकी वैल्यूज रखेंगे इसके अंदर, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक। अब इन सारी वैल्यूज को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो 0/4 तो 0 ही होगा, ठीक है। 1/√4 अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये बाहर आके 1/2 हो जाएगा। दो वैल्यूज आएंगी, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये 1/2 हो जाएगा, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/√2 हो जाएगा, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये √3 रहेगा, ये बाहर आके 2 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक। तो अब इन वैल्यूज को जो इसकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू आई वो लिख सकते हैं यहाँ पर। तो 0 डिग्री पे हो गया ये 0, 30 डिग्री पे हो गया ये 1/2, यहाँ हो गया 1/√2, यहाँ पे हो गया ये 3/2, और यहाँ पे हो गया 1, ठीक। साइन थीटा की वैल्यू मिल गई हमें। अब हमें पता है कि जो कोसेक थीटा होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक। तो जो 0 डिग्री पे साइन होगा कोसेक उसका रेसिप्रोकल होगा, तो इसका रेसिप्रोकल 1/0 होगा। 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, ठीक, या इन्फिनिटी कह लो, ठीक है। ऐसे ये वैल्यू उल्टी हो जाएगी, तो ये 2/1, तो ये 2 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू √2 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 1/√3 हो जाएगी, और ये 1 ही रहेगा, ठीक है। अब अगर हम कॉस का देखें तो कॉस के लिए हमें ध्यान क्या रखना है, जो साइन की वैल्यू 0 से 90 की तरफ को हमने लिखी है उसी को रिवर्स ऑर्डर में हम यहाँ पे कॉस के लिए इधर से इधर को लिख देंगे, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो साइन की 90 पे वैल्यू है वो कॉस की 0 डिग्री पे होगी, जो साइन की 60 डिग्री पे वैल्यू है वो कॉस की 30 पे होगी। इसी टाइप से हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक। तो सारी वैल्यूज को उस तरफ से इधर को लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये √3/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे 0, ठीक। तो इस टाइप से हमें कॉस की वैल्यू भी मिल जाएगी। टेन थीटा जो होता है उसको हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो अगर हमें टेन 0 डिग्री निकालना है तो हम साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर हमें टेन 30 डिग्री निकालना है तो साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 कर सकते हैं। तो इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करते जाएंगे, टेन की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो ये 0/1 0 ही हो जाएगा, ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1/√3 आ जाएगा, इसको डिवाइड करके ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू √3 हो जाएगी, और 1/0 इन्फिनिटी हो गया, ठीक है, नॉट डिफाइंड। अब हमारे पास कॉस की वैल्यू भी आ गई, टेन की वैल्यू भी आ गई। तो हमें पता है कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक। तो यहाँ पे हमारे पास सेक थीटा है तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो वो सेक की वैल्यू हो जाएगी। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, इसका करेंगे तो ये √2 हो जाएगा, इसका करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक। तो इसी टाइप से अगर हम कॉट थीटा देखें तो वो टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ से इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1/1, ये हो जाएगा 1/√3, और ये हो जाएगा 0, ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।